आज है मेरा 20वां बर्थडे और फाइनली मैं 20 साल का हो चुका हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। और आज है मेरा बर्थडे और मैं आज सेलिब्रेशन के लिए जो भी सामान होंगे वो अभी लाने जाऊंगा। अभी कुछ सामान मैंने ला दिया है तो पहले वो सब दिखा देता हूँ। अभी चलते हुए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सामान मैंने ला दिया है। फिलहाल तो मैं बस बलून्स और स्नो स्प्रे लाया हुआ था और बहुत कुछ बाकी था सामान लाने, तो ये सब था। और मैं अभी जाऊँगा, कुछ और सामान लेना बाकी है मेरे को। और अभी मैं फिर शाम को 6-7 बजे के लगभग रेडी होना बाकी है मुझे। पहले फ्रेश होऊंगा, उसके बाद रेडी होके आप गेस करके बताओ आज मैं कौन सा आउटफिट पहनूंगा, देखता हूँ। अभी वो सब सामान लेके आना, उसके बाद डेकोरेशन करना है। फिर भाई मुझे मच्छरों ने बहुत ज़्यादा चुम्बी ले दिया, हाथ पूरा ख़त्म है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे अभी ये सब डेकोरेशन में करना है, ये सब सजाना है और ये पूरा। फिर ये सब फ्रेश होने के बाद रेडी हो जाऊंगा, फिर ये सब सजाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा कुछ सामान लेना है। तो गाइज ये हो गया और मैं अभी जाऊंगा थोड़ी देर बाद मछली लाने, क्योंकि मछली मेरे मम्मी को बहुत अच्छा लगता है खाने में और उनको पसंद भी है बहुत सालों से। वैसे मैं नहीं खाता, मैं मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे मटन और चिकन अच्छा लगता है। उसके बाद आऊँगा, फिर चिकन लाने जाऊँगा खुद के लिए, और मैं और मेरे भाई बहुत सब कोई फैमिली मेम्बर चिकन खाएंगे लोग रात को, और दोपहर में वही मछली बनेगा। अभी चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, मार्केट चलते हैं, लेट्स गो। तो घर से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट गया मछली मार्केट, और मैं वैसा सिचुएशन नहीं किया कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो मैंने डायरेक्ट मछली बनने के बाद ही वीडियो शूट किया। और आप लोग सामने देख सकते हो कितना अच्छा मछली बनाया, देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था, मम्मी बता रही थी। और मैंने भी टेस्ट के लिए थोड़ा सा ग्रेवी से चावल खाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैं आ गया ऊपर। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मछली सारे लोग ने खा लिया है और अभी मैं जाऊंगा चिकन लाने। चिकन लाने के बाद फिर केक लाना बाकी है, और केक लाऊंगा उसके बाद सेलिब्रेशन करना बाकी है। इसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन करना होगा, डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गया है और थोड़े बहुत बैलून्स वगैरह लगाने बाकी है। बैलून्स लगाने के बाद केक लाऊंगा, केक लाने के बाद फ्रेश होकर नहाऊंगा दोबारा, मतलब मेरे बर्थडे को स्पेशली मैं 2 बार नहाता हूँ। और फ्रेश होकर फुल्ली रेडी होऊंगा, रेडी होने के बाद फिर केक कटिंग करेंगे हम। तो फिर चलते हैं अभी चिकन लाने, लेट्स गो। तो मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बटर भी लाया हुआ था और मम्मी से बोल रखा था कि आज मैं बटर के साथ मैं खुद से बनाऊंगा चिकन, लेकिन मुझे बटर बहुत महंगा पड़ा। फिलहाल मैंने मार्केट से सारे सामान ला के रख दिए थे और मैं फुल्ली फ्रेश होकर रेडी हो चुका हूँ। चिकन और केक वगैरह जो भी था वो मैंने ला के रख दिया है और सिर्फ डेकोरेशन करना बाकी है। तो आउटफिट और पैंट वगैरह जो भी था वो मैंने पहन लिया था, बस हेयर सेट करना बाकी था। चश्मा भी आप सब देख सकते हो, यहाँ पे लुक देख लो आप सामने कैसा लग रहा है। यार मैंने चश्मा पहना है तो थोड़ा पोज वगैरह तो बनता है, ये देख लो, और भी पोज दे देता हूँ, ये देख लो, ये भी देख लो। और अभी तो फिलहाल मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अभी नीचे सेट करने। फिलहाल तो डन है, ऑलमोस्ट डन है। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और जो भी मार्केट से सामान था वो मैंने ला के रख दिया है, चिकन केक जो भी था वो सब मैंने ला के रख दिया है नीचे। और आप लोग को डेकोरेशन दिखा देता हूँ। फिलहाल तो मैंने बैलून्स नहीं लगाए थे, लेकिन ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये सब हैप्पी बर्थडे लेटर्स मैंने ही अपने हाथों बनाया था। सोच रहा था खुद के लिए एक अच्छा सा मतलब गिफ्ट बना लूँ और खुद को सरप्राइज दूँ, वो होता है ना अपने संतुष्टि के लिए। तो सारे बलून्स में हवा भर दिया था मेरे भैया ने, और आज के दिन वो बहुत हेल्प किया मुझे। यहाँ पे बस बाकी था बलून्स लगाना, जो कि मैं आ चुका हूँ अभी बलून्स लगाने। पहले तो मैं रेडी होना था, मैं रेडी हो चुका हूँ, आप आउटफिट देख लो। रेड शर्ट पहना है मैंने और डेकोरेशन आपको दिखा देता हूँ, कितना मस्त डेकोरेशन किया है मैंने, सामने दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये रहा डेकोरेशन, ये सब
ये जो लेटर आपको दिख रहा है ये सब मैंने ही खुद के हाथ से बनाया है। कमेंट करके बताना कैसा लगा। और ये बैलून्स वगैरह मैंने लगाए हैं। डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है और बस केक काटना बाकी है। उसके बाद थोड़े बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाऊंगा और बस यही कुछ। फिर चलते हैं अभी केक कट करने। पहले कोल्ड ड्रिंक ला लेता हूँ, तो चलते हैं अभी मार्केट कोल्ड ड्रिंक लाने। तो अभी चलते हैं मार्केट कोल्ड ड्रिंक लाने, फिर आऊँगा। फिर दो मिनट बाद यहीं पे पास में ही है, वहाँ से लाऊँगा। फिर आने के बाद जस्ट केक कट करेंगे। तो अभी चलता हूँ वहाँ पे, लेट्स गो। कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो फाइनली सारे सामान ला लिया है मैंने और डेकोरेशन भी फुल एंड फाइनल हो चुका है। और मैं अभी जा रहा हूँ नीचे सब कोई को बुलाने, क्योंकि अभी मेरा पूरा काम डन हो चुका है। सामने आप लोग केक देख सकते हो। कमेंट करके बताना केक कैसा लगा। और अभी मैं चलता हूँ नीचे सब कोई को बुलाने, पापा मम्मी दीदी भैया, उसके बाद करेंगे केक को कट। अभी मैं जाता हूँ नीचे सब कोई को बुलाने। मम्मी ने कहा पहले तिलक लगवा लो उसके बाद केक कट करना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो पहले तिलक लगाने के बाद ही केक कट करना होता है। अभी सब कुछ हो चुका है, तो अभी मैं बारी है मोमबत्ती को जलाने का, तो मोमबत्ती को जला लेता हूँ, अब करूँगा केक को कट। मज़ा तो यहाँ से आने वाला है, देखते रहो बस। गाइस आप गेस करके बताना मेरा एज कितना होना चाहिए। वैसे तो मैं बता देता हूँ, आज है मेरा 20वां बर्थडे और फाइनली मैं 20 साल का हो चुका हूँ। आज के दिन मेरे इंस्टाग्राम पे भी 25K फॉलोवर कंप्लीट हुए हैं। यहाँ दीपाल पे मैंने लिख दिया और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी के सारे दिन जी रखे हैं, एक जमा दो जमा तीन जमा चार, बस इतने ही पैग मैंने पी रखे हैं। मैं तो कभी नहीं रुकता, किसी के आगे ना झुकता, मेरा गाया हुआ गाना लाखों में बिकता। और आज के ही दिन हमारे YouTube चैनल पे 900 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए भी मैं दीवार पे लिख देता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं तो ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा, बस आप सपोर्ट करते रहना। मेरा ड्रीम है 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, अगर आप सपोर्ट किए तो हो जाएगा। सेलिब्रेशन करने के बाद मैं गया नीचे और चिकन बन चुका था, मुझे सलाद बनाना था। देख सकते हो सलाद कट हो चुका है। और इसके कट करने के बाद मैं गया डायरेक्ट खाने, क्योंकि मेरा भी बारी आ चुका था। मम्मी पुकार रही थी कि आके खा लो, और खाना भी निकल चुका था, सामने आप लोग देख सकते हैं। भूख तो लगा था मुझे भी बहुत तेज, और आप सबको तो पता ही होगा माँ कितना केयर करती है। और हाँ गाइज, आप सबके विशेष के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जिससे मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ। इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून अगेन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।